intersect each other at right angle, then this amount is Cartesian plane, ये 0-0 होता है, ये x axis, ये y axis, x axis, y axis and y axis को हम लोग coordinate कहते हैं। तो simple way में आप लोग जान लीजिए, graph जो हम लोग देखेंगे, 0 इसका कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मान लिया जाए कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 दिया है, तो किसका जो जीरो से होगा सॉल्यूशन होगा या रूट से होगा वही जो pk आता है, ये जो pk होता है आपका ये वही इसका जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो किस इक्वेशन का कितना जीरोस होता है वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर, यानी किसी इक्वेशन का कितना जीरोस होता है वो डिपेंड करता है उसके जीरोस पर, जीरोस पर यानी कितना सॉल्यूशन जीरोस निकालता है और इसका डिग्री कितना डिग्री का होगा, यानी एक 2 डिग्री का है तो इसका 2 सॉल्यूशन, 3 डिग्री का 3 सॉल्यूशन, 4 डिग्री का 4 सॉल्यूशन, n डिग्री का n सॉल्यूशन, यानी कि तो अब हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। First note, graph of linear polynomial वो कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है एंड कॉर्ड्स ऐसा होता है।
2.4 यानी ऑलमोस्ट अधिक से अधिक 2.4 आपका ये इंटरसेक्ट करता है कौन, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थर्ड, द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 डिग्री का है तो क्यूबिक 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो और n डिग्री का है तो आपका कितने पॉइंट पर कटेगा, n पॉइंट पर। अब ये लिखने का जरूरत में नहीं समझ रहा, इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ n डिग्री पॉलीनोमियल, द ग्राफ ऑफ n डिग्री पॉलीनोमियल cuts the x axis, cuts the x axis at almost n point। इस पर क्या आपको बोलने जा रही है, और ये जितने पॉइंट पर कट्स कर रहा है वही उसका जीरो होगा, इस बात को ध्यान में रखें। यानी कि जो ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है वो उतना ही डिग्री का होता है। अब हम लोगों को एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए, तो चलिए फर्स्ट कह रहा है कि द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू क्या है, पी एक्स है, y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। आर द गिवन फिगर बिलो फॉर सम पॉलीनोमियल पी एक्स, यानी यह है पी एक्स पॉलीनोमियल एंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, तो ईच केस में क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो आप बताइए ये इस तरह से दिया, ये यहाँ से ऐसे ये फर्स्ट फिगर कितना दिया गया है, आप लोग को पता है एक्स वाई कौन है, ये है आपका एक्स एक्स डैश और ये है आपका वाई वाई डैश, और ये जो ग्राफ है ये आपका पी एक्स दिया गया है। तो आप पता है इसका जीरोस कितना होगा, इस ग्राफ का जीरोस क्या होगा, तो बताइए ये जो पॉइंट दिया गया एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो जीरोस कितना होगा, जीरोस होगा ही नहीं, यानी कि गिवन ग्राफ है नो जीरोस, कोई जीरो। सेकंड, सेकंड क्या दिया है, सेकंड यहां से सिस्टम क्या है, सेकंड ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जीरो है। अब बताइए इसका कितना है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर काट ले तो इसका कितना जीरो हो जाएगा, ओनली 1 जीरो, ओनली 1 जीरो। क्वेश्चन नंबर 30 का है जी, देख तो रहा है बढ़िया। क्वेश्चन थर्ड है,
तो इसका कितना जीरोस होगा, तो आप देख सकते हैं ये कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1 2 3 इसका 3 जीरोस। जरा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये ऐसे ऐसे एक्सरसाइज 2.1 चलेगा। थैंक यू।